रुड़की में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। मारपीट की इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की के मंगलौर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी झड़प में तब्दील हो गया। वारदात में घायल युवक सलमान के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनके भाई पर चाकू जैसे धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे उनका भाई पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवक का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जी, मेरे भाई का नाम सलमान है। तो कल क्या नाम, चौकी इंचार्ज है ना पुलिस के, तो इन्होंने हमको बुलाया था, वो पापा ने को बुलाया था। पापा यहाँ पाए तो पापा के पीछे पीछे आ रहा था खेला, तो उसे पकड़ गया। चार पांच लोगों ने पीटा है बहुत ज़्यादा, छुरी मारी है पीछे से, और क्या नाम और भी कुछ मार रखा है, पंच बजा रखा है, काफ़ी हथियार यूज़ किया है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा गंभीर हादसे हालत में है फिलहाल में। मेरे पास पुलिस भेजी उन्होंने, तो बोलने लगे कि आपको चौकी में ले जाया जाएगा। तो क्या नाम है, हम चौकी में आ रहे थे तो कुछ जने तो हम आ गए थे, तो एक भाई पीछे रह गया था हमारा, पीछे रहने की वजह से तो वो आ रहा था ना, तब झगड़ा हुआ। तो चार पांच जने बैठे थे, क्या नाम है, पंच ले गए, कुछ ने कुछ छुरी वगैरह ले रखी थी, हथियार ले रखे थे, तो पीछे से वार किया, उनके सिर में चोट है, उनकी वीडियो भी हमारे पास, फोटो भी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।